राजू ये कमाल तेरा नहीं आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम मैं तो भूल ही गई, मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो वो मौसी, ये दोनों लड्डू चुरा रहे थे। ये लो बच्चों तुम्हारे लिए। ये मौसी को क्या हो गया? पूरा गांव कालिया को कथकली करते हुए देखने आया है। हम सबको आज के दिन का इंतजार था। आज के लिए कालिया न जाने कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। भीम, कालिया तो बहुत अच्छा नाच रहा है। आखिर इतने दिनों की उसकी मेहनत आज सफल हुई। रखा है लेकिन उसे हराना और गांव से निकालना किसी के बस की बात नहीं है। भीम, वो एक शर्त पर ही गांव छोड़ेगा, अगर मैं उसे किसी भी एक चुनौती में हरा दूं तो। कथकली, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? लेकिन उसके लिए हमें कालिया की मदद लेनी होगी। तो तुम कथकली सीखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्या तुम सिखाओगे? बिल्कुल सिखाऊंगा। लगे सैम, मुझे तो लगता है सैम कालिया से भी अच्छा नाचने लगा। hey, ये क्या शोर है? तो इतनी जल्दी मार खाने वापस आ गए? मैं मैं कभी नहीं आता, नहीं आता मैं। अच्छा तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मुझे कोई भी चुनौती मंजूर है। चलो मैक शुरू करो। मारना बंद करो समुराई और थोड़ा नाच के दिखाओ। उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद हम आ गए, चलिए।
परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। अजीब बात है, घर से कुछ गायब नहीं हुआ है। प्रणाम अच्छी परी, कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, वो यंत्र देखो, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक की दुकानें भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भीम संभल के। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो, तब तक हम यहाँ के काम निपटाते हैं। चलो, तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा भूत आता है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी बात है, इतने जल्दी यहाँ कैसे? अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। ये तो हीरा है। चलो जल्दी से वो हीरा निकालो। कौन हो तुम लोग? सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भी। बस एक बूंद। बच्चों तुम आओ आओ, नीचे लैब में आ जाओ। धूमकेतु जी, मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं, मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल के उस्ताद, साइंस और आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। दोनों बोलो। जिस यंत्र को चलाया वो लोगों को छोटा करने के लिए बनाया था मैंने, उसी के असर से हम सब छोटे हो गए हैं। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने? दोस्तों, हमें दो हिस्सों में बंट जाना चाहिए, इससे वो चूहा उलझन में पड़ जाएगा। धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें बताइए। अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। वाह भीम, कमाल कर दिया। क्या हुआ?
विज्ञान है। बहुत अच्छे बच्चों, पर अब भी एक छोटी सी दिक्कत है। आप ढक्कन की चिंता मत कीजिए धूमकेतु जी, मैं उसे उठाता हूँ, आप लेंस बदल दीजिएगा। तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। शुक्र है, सब ठीक हो गया।